नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेस्टोन एलएस सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, चेस्टोन एलएस सिरप को कैसे लेना चाहिए और चेस्टोन एलएस सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि चेस्टोन एलएस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चेस्टोन एलएस सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। चेस्टोन एलएस सिरप बलगम को पतला करती है और फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा अस्थमा और सीओपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को भी डॉक्टर चेस्टोन एलएस सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। चेस्टोन एलएस सिरप वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफड़ों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है। चेस्टोन एलएस सिरप को लेने के बाद फेफड़ों के वायुमार्ग चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और सीओपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में चेस्टोन एलएस सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में चेस्टोन एलएस सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, कब्ज होना, दस्त होना, पेट में दर्द, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स चेस्टोन एलएस सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि चेस्टोन एलएस सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। चेस्टोन एलएस सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर चेस्टोन एलएस सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर चेस्टोन एलएस सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर चेस्टोन एलएस सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। चेस्टोन एलएस सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको चेस्टोन एलएस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि चेस्टोन एलएस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बलगम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको चेस्टोन एलएस सिरप के साथ साथ हर रोज दिन में 2 से लेकर 3 बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए और बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को चेस्टोन एलएस सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को चेस्टोन एलएस सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए चेस्टोन एलएस सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि चेस्टोन एलएस सिरप स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को चेस्टोन एलएस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका चेस्टोन एलएस सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।